ओके, कल हम लोगों ने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था। फर्स्ट टू क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर सब शेल्स के बारे में, ठीक है। शेल्स के बाद सब शेल्स, सब शेल्स थी आपकी एस पी डी एफ, जो शेल्स हैं वो के एल एम एन है। उसके बाद द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्यों जरूरत पड़ी है, हम लोगों ने डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल में पढ़ा था कि जब भी स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रम आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी वो फर्दर स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, इन अ वेरी फाइन लाइन्स, फाइन लाइन्स के अंदर स्प्लिट हो रही थी। फाइन लाइन्स क्या होती हैं कि यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, जब उनको देखा तो वो बेसिकली एक लाइन, सिंगल लाइन नहीं थी, उसके अंदर और भी लाइन्स थी और वो जो लाइन्स थी क्लोज थी एक दूसरे से, ठीक है, उनको कहते हैं फाइन लाइन्स, ठीक। अच्छा जी, अब वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए यूज किया जाता है उन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि इन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल इट हैज बीन मेंशन्ड दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट्स द स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर, ठीक है, वो फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हो रही थी। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग, यानी वो जो फर्दर फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड क्वांटम नंबर कॉल्ड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज बीन प्रपोज, ठीक है। क्वांटम नंबर आपके पास, अब इसकी वैल्यूज कैसे होती हैं, ये स्मॉल एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये वैल्यूज हो सकती हैं 0, ±1, ±2, ±3, ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हम पढ़ा था कि वो नॉन जीरो होती हैं और पॉजिटिव इंटीग्रल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल नेवर बी जीरो, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता, हमेशा वो 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यूज होती हैं। फिर उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन आगे सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है और उसकी वैल्यूज ±1, ±2, ±3 इस तरह से वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एल के ऊपर, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, तो ये बेसिकली आपके पास एल, सपोज करते हैं कि एल आपके पास जो है वो जीरो है, ठीक है। जीरो का मतलब ये था कि वो एस सबशेल से बिलोंग करता है, तो एम क्या होगा, वो भी आपके पास जीरो, ठीक। अगर आपके पास एल जो है वन है, ठीक है, एल वन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सबशेल है वो पी सबशेल है, पी सबशेल, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने भी वन तक जाना है, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होके जीरो और फिर प्लस माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पी सबशेल हैज थ्री डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब थ्री डीजेनरेट इसमें कितनी वैल्यू से, जीरो, ठीक है, फिर प्लस वन और माइनस वन, थ्री वैल्यूज है, जिसका मतलब है जो पी सबशेल है हैज थ्री डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल्स के बारे में पढ़ा, एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमारे पास थी सब शेल्स है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो पी सब शेल है उसके पास थ्री डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट विच हैव इक्वल एनर्जी, ठीक है, उनकी इक्वल एनर्जी होती है, यानी आपके पास पी एक्स, पी वाई और पी जी, ठीक है। अगर एल आपके पास टू है तो टू का मतलब क्या है कि इसके अंदर डी सब शेल है, ठीक है। अब आपने एम को टू तक लेके जाना है, तो कैसे होगा, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, तो टोटल ये फाइव वैल्यूज है, ठीक है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ये टोटल आपके पास फाइव वैल्यूज है, तो इसका मतलब है कि डी सबशेल हैज फाइव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अगर एल आपके पास थ्री है तो इट मीन्स कि ये एफ सबशेल है, और आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने भी थ्री तक जाना है, तो ये हो जाए जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस माइनस थ्री, एफ सबशेल हैज सेवन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में बता रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल्स के बारे में बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि सब शेल्स के अंदर अब ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक। दिस अबव डिस्क्रिप्शन शोज दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द टोटल वैल्यूज ऑफ एम आर, अच्छा जी, अब एम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला है कि 2L plus 1, ठीक है। सपोज अगर आपके पास एल की वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस टू, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो यानी कि एम आपने सिर्फ वन वैल्यू लिखनी है, तो एम जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये ए की वैल्यू है, ठीक है। अगर सपोज एल आपके पास वन है, तो एल मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू प्लस वन
थ्री, यानी कि m की वैल्यूज आपने 3 लिखनी है, तो 0 प्लस माइनस 1, यानी आपके पास 3 वैल्यूज हो गई। इनके p सबशेल है 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अगर आपके पास जो l है उसकी वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो इसका मतलब है कि 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अगर l की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है, तो इट मीन्स इट हैज 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इस तरह से आप जो है m को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करते हैं, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, एक्चुअली द वैल्यू ऑफ m गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ डी जनरेसी ऑर्बिटल इन स्पेस। अच्छा जी, डी जनरेसी ऑर्बिटल क्या होते हैं, कि यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स है, पी वाई, पी जी, तो वो स्पेस के अंदर किस तरह से डीजनरेट, यानी कि इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये पी सबशेल के जो सामने कहा कि 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, कि इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन वो अरेंज कैसे होंगे स्पेस में, वो आपके एक्स वाई और जी एक्सेस के होंगे, ठीक है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन सच इन विच गिवन एस पी डी और एफ सबशेल कैन बी अरेंज अलोंग x एंड y एंड z एक्सिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के, अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो आपके पास सब शेल्स हैं वो किस तरह से अरेंज होंगी x y z एक्सिस में, ठीक है। अच्छा जी, ये हमें पता चल गया जो p सब शेल है उसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, d के 5 हैं, f के 7 हैं। तो s के आगे आप देखोगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है s जो सब शेल है इसका कोई डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है, यानी कि ये एक्स वाई जी में हर एक प्लेन पे एक जैसा ही अरेंज होता है। ये बेसिकली स्फेरिकल होता है एस सब शेल, ठीक है, तो इसका कोई भी डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं है। पी का, डी और एफ, इन सब के डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, दस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ अ सेल, ठीक है। सब शेल की डिफरेंट ओरिएंटेशन बताता है, तो एस की 0, यानी कि कोई ओरिएंटेशन नहीं है, हर प्लेन के ऊपर एक ही तरह ये स्फेरिकल है, ठीक है। पी आपके पास डम्बल शेप है, इसकी 3 है कि ये एक्स एक्सिस, वाई और पी एक्स, पी वाई, पी जी, इस तरह से डी और एफ है, ठीक। इन केस ऑफ एस सबशेल, ठीक है, वो कहते हैं एस एस सबशेल है, यानी कि ये वाली, तो एल क्या था, 0, ठीक है, एम भी हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि एस सबशेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल हैज ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन एंड कैन बी अरेंज इन स्पेस ओनली इन वन वे अलोंग एक्स वाई और जी, ठीक है। ये हर एक्सिस पे एक ही तरह से अरेंज होगी, ठीक है, इसका कोई भी आपके पास ऑर्बिटल नहीं है। सो एस सबशेल इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू एनी अदर ऑर्बिटल। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज द सेम। इट इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अब एस और एस सबशेल कैसी है, वो आपके पास स्फेरिकल है और सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप हर एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग देख लें, वाई के या जी के, तो आपको हर जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल ही मिलेगी। ये नहीं है कि एक्स एक्सिस पे ज्यादा है या वाई पे या जी पे, सब, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और ये स्फेरिकल है, ठीक है। उसके बाद पी सबशेल को उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पी सबशेल किस तरह से है, कि जब आपके पास एल जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, पी सबशेल, जब व्हेन एल इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एम क्या हो जाएगा आपके पास 0 प्लस माइनस 1। These values of m imply that p subshell of any energy level has 3 space orientation. ठीक है, ये 3 space में 3 degenerate orbitals है ना, तो इसका मतलब है space में 3 ways के किस तरह से arrange होगा along x, y and z axis. ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि figure 5.21 में, तो मैं आपको अभी show कर देती हूँ। ठीक है, ये आपकी डायग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स, यानी कि जो पी ऑर्बिटल है वो किस तरह से, तो आप ये देख रहे हो, अभी ये जी एक्सिस के, ठीक है, ये डम्बल हो शेप का होता है पी, अभी ये जी एक्सिस के अरेंज है, तो इसको पी जी कह रहे हैं, ये पी एक्स एक्स एक्सिस पे है और ये पी वाई, ठीक है, तो ये 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, अभी इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल है, सेम है सबकी, ठीक है। देर आर 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ पी सबशेल, ठीक है। सो पी सबशेल हैज 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस अलोंग एक्स, वाई एंड जी एक्सिस। ऑल द 3 पी ऑर्बिटल्स नेमली पी एक्स, पी वाई, पी जी हैव डम्बल शेप। सो पी ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल करेक्टर व्हिच डिटरमिन्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ऑल द पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल द एनर्जी लेवल्स हैव सिमिलर शेप्स, बट विद द इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेल ऑफ देयर साइज इंक्रीज। वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, ये लास्ट वाली लाइन, कि जितने पी ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, ठीक है,
उतना ज्यादा क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाए, यानी कि शेल का साइज भी इंक्रीज होता है जितना आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये पी की उन्होंने शेप बता दी है, यहीं पे हम एस की भी शेप स्टडी कर लेते हैं कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल अभी आपको कहा था वो सिमेट्रिकल और स्फेरिकल होता है, ठीक है, तो बेशक ये 1s हो तब भी ये स्फेरिकल है, ठीक है, अगर ये 2s है तब भी ये स्फेरिकल है, अगर ये 3s है तो तब भी ये स्फेरिकल है। 1s स्मॉल है, 2s आप देख रहे हो इसका साइज इंक्रीज हो गया है, 3s इसका साइज, यानी कि ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये 3s, ठीक है, तो जस्ट साइज इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा जी, और एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, नोड्स। नोड्स वो एरिया है, वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जीरो होती है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जीरो है, या इलेक्ट्रॉन 1s में होंगे या ये 2s में होंगे, इनके दरमियान में ये जो ब्लू स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो वो जीरो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये नोडल प्लेन है या नोडल सरफेस है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको एस ऑर्बिटल का बता दिया, फिर ये आ गया पी ऑर्बिटल्स की भी आपको शेप बता दी, यहीं पे आपको डी ऑर्बिटल की भी शेप बता देती हूँ, ठीक है, ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके 5d जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो ये इनके नेम है डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ठीक है, ये इनके नेम्स इनके नीचे ये लिखे हुए, तो आपके पास टोटल 5d जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। पी जो था वो डम्बल था, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये डबल डम्बल हैं, टोटल ये आपको 4 लोब्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, इन 4 के अंदर 4 लोब्स हैं, और ये वाला जो है इसके अंदर सिर्फ आपको 2 लोब्स नजर आ रहे हैं, ये जो डी जी स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब ये अरेंज कैसे हुए हुए हैं, ये आपको जो डी एक्स वाई, डी एक्स जी और डी एक्स वाई, ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 है ये बेसिकली इन बिटवीन है, ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये एक्सिस के दरमियान में है, ठीक है, वाई और जी एक्सिस के दरमियान में होगा, ये एक्स और जी के दरमियान में है, ये एक्स और वाई के दरमियान में, एक्सिस के पूरे ऊपर नहीं है, दरमियान में है, ठीक है, लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये आप देखोगे ये बिल्कुल जो है एक्सिस के ऊपर है, जैसे आपको ये एक्स एक्सिस है तो उसके बिल्कुल ऊपर है, ये वाई एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है, ठीक है, और डी जी स्क्वायर भी आप देखोगे ये जो जी है इसके ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये जो एक्स वाई, वाई जी, एक्स जी ये क्या है, इन बिटवीन है, इन एक्सिस के दरमियान में है, अब एक्सिस के बिल्कुल ऊपर नहीं है, ठीक है। और जो एफ ऑर्बिटल के 7 आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एफ सब शेल का 7 है, तो उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो 3D स्ट्रक्चर वो यहाँ पे उन्होंने शो नहीं किया हुआ, ठीक है, वो आप लोगों ने भी नहीं करना, आपने एक्स पी डी एफ इन ऑर्बिटल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको अब शेप्स यहाँ पे दिखा दी है, अब वापस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं कि पी सब शेल में क्या था, L1 था, तो M आपके पास 0 ± 1, ठीक है, टोटल 3 वैल्यूज, इसका मतलब है 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, दीज 3 ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नेम पी एक्स, पी वाई और पी जी, और इनकी शेप कैसे है, दे हैव एच शेप लोब्स विच टच ईच अदर एट द ओरिजिन, ठीक है, वो आपको डम्बल शेप में है, दे आर डिस्पोज सिमेट्रिकली अलॉन्ग वन ऑफ द 3 एक्सिस, हर एक एक्सिस के अलॉन्ग हो गए, अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई है तो वाई एक्सिस पे, जी है तो जी एक्सिस पे, और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव कर देते हैं तो उस टाइम पे जो ये तीनों पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, उनको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि इनकी एनर्जी जो है वो तीनों की इक्वल है, ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर देते हैं, since they are 3 numbers, so these orbitals are said to be 3-fold degenerate orbitals, या triply degenerate भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 3 है, इस वजह से या तो इनको 3-fold degenerate या triply degenerate भी कहते हैं, ठीक है, P subshell हो गया, उसके बाद D subshell में L जो है आपके पास 2 है, M आपके पास क्या हो जाएगा 0 ± 1 ± 2, ठीक है, अब इसके degenerate orbital total आपके पास होंगे 5, ठीक है, 5 space orientation है, वो कौन कौन सी है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ठीक है, ये उन ऑर्बिटल्स के नेम उन्होंने आपको बता दिए हैं, ठीक, ऑल दीज 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, ये सारे आइडेंटिकल इन शेप नहीं होते, मैंने आपको बताया कि इन सब में क्या है, 4 लोब्स हैं, इसमें भी 4 लोब्स, इसमें भी 4, इसमें भी, लेकिन जो डी जी स्क्वायर था इसमें 2 लोब्स थे, ठीक है, ये सारे इन बिटवीन
एक्सेस के, और ये था अलोंग दी एक्सेस, ये दो जो हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये अलोंग दी एक्सेस थे, बाकी सारे इन बिटवीन थे, ठीक है। तो इस वजह से ये आइडेंटिकल इन शेप नहीं होते, लेकिन ये भी डीजनरेट हैं, डीजनरेट क्योंकि इनकी सेम एनर्जी है, ठीक है। और ये फाइव हैं, तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, 5 4 डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक। उसके बाद जो एफ सब शेल है उसके लिए क्या होगा, एल इज इक्वल टू 3, एम जो है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ठीक है। उनकी शेप्स नहीं बताई हुई कि बिकॉज दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, ठीक है। और अब इस पूरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो समरी है, द होल डिस्कशन शोज दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन के वो किस तरह से अरेंज हुए होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज हुए होंगे, ठीक है, एक्सिस अलोंग एक्सिस हैं या इन बिटवीन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सेकेंड नेम क्या है आपके पास, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये बिल्कुल एंड पे लिखा है, इनको अपने पास हाईलाइट कर लें, ये आपके एमसीक्यूज के लिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सेकेंड नेम क्या है आपके पास, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्वांटम नंबर एंड हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल्स थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर आपके पास सब शेल्स थी, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर ऑर्बिटल्स आ गया कि ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं स्पेस में, ठीक है। अब लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर में आपको कहते हैं कि अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अल्कली मेटल्स कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, सोडियम है, लिथियम है, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल में जब देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1A वाले हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर है, ठीक है, उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक। उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, ठीक है, दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन, सबको पता है कि उसके पास, हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल से ही बिलोंग करता है, तो उसकी वैलेंस शेल के अंदर भी वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक। वी कैन रिकॉर्ड देयर इमिशन स्पेक्ट्रा, वो कहते हैं जो अल्कली मेटल्स हैं, जब उनका इमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया गया, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या था कि जब भी उसको हमने रखते हैं, ठीक है, वो पहले जो है रेस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब की तो क्या होता है, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू अ ग्राउंड स्टेट, पहले वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, उसके जो लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप कर जाते हैं, ठीक है। अब उसने इमिट करना है, इमिशन स्पेक्ट्रा है ना, इमिशन होनी है, कब होगी, जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जंप करेगा, यानी अपने हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो की तरफ जंप करता है तो रेस को इमिट करता है, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा। व्हेन दिस स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड बाय मींस ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो उन्होंने देखा ईच लाइन, हर एक लाइन जो थी वो फर्दर स्प्लिट हो रही थी पेयर्स ऑफ लाइंस में, पेयर ऑफ लाइन यानी के दो लाइंस के अंदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डबलेट लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं वी शुड कीप इन माइंड दैट डबलेट लाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ किस तरह से था, जो कि हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से एक्सप्लेन किया है, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, वो फाइन स्पेक्ट्रम था, फाइन स्पेक्ट्रम यानी एक एक लाइन बहुत सारी लाइंस के अंदर, और वो सारी लाइंस किस तरह से थी, एक दूसरे के क्लोज है, अगर तो लाइंस एक दूसरे के क्लोज हों तो हम उसको कहते हैं वो फाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन सिर्फ टू लाइंस के अंदर स्प्लिट हो रही है और उनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाइन लाइंस को एक्सप्लेन किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, अब जो डबलेट लाइन स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर सिर्फ दो के अंदर ही लाइन स्प्लिट हो रही है और उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी है, इट शुड बी मेड क्लियर दैट लाइन्स ऑफ डबलेट लाइन स्ट्रक्चर आर वाइडली सेपरेटेड, ठीक है। डबलेट लाइन जो है वो एक दूसरे के दरमियान में काफी डिस्टेंस होता है, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, और जो फाइन स्ट्रक्चर है आर क्लोजली रिलेटेड, आर क्लोजली स्पेस टूगेदर है, ठीक है, ये क्लोजली स्पेस्ड है, और जो डबलेट लाइन है ये आपके पास इनके दरमियान में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। फाइन लाइन को एक्सप्लेन किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर ने और डबलेट लाइन को एक्सप्लेन करेगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने ये काम किया था इन 1925 एंड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कहते हैं कि जब जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जो अर्थ है या बाकी सारे प्लैनेट जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, एक तो सन के उसके अलावा अपने एक्सिस में भी रोटेट कर रहे होते हैं जिस वजह से हमारा डे और नाइट होता है, ठीक है, और अगर सन के
अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे जो है वो सीजन यानी वेदर चेंज हो रहा होता है। ठीक, इसी तरह से न्यूक्लियस के बाहर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व भी कर रहा होता है, वो रोटेट भी कर रहा होता है। ठीक है, अब जो रिवॉल्व करना तो उसका हमने मतलब वो रेडियस है, ऑर्बिट में कर रहा है। अब जो रोटेट करता है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा होता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन, यानी कि अपने एक्सिस में भी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, दिस स्पिनिंग यानी कि स्पिन कर रहा होता है। ठीक है, रोटेट कर रहा है या स्पिन कर रहा है, दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक एनहेंस मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से सोर्स, क्योंकि वो स्पिन कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और या जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, आपके पास कोई भी चीज जब मूव करती है, मास होता है उसका, ऑब्वियसली जब मूव करी है तो उसकी वेलोसिटी भी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। लेकिन जब आप एंगुलर यानी कि किसी सर्कुलर पाथ में मूव करते हो तो फिर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक, हिंस ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेटेड बाय क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है क्योंकि कभी वो क्लॉकवाइज मूव करता है, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। दिस स्पिन मोशन इज पॉसिबल, ये जो स्पिन मोशन है कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से आपके पास डबलेट लाइन स्ट्रक्चर, कभी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एक लाइन आ जाएगी, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आपके पास सेकेंड लाइन, तो इस तरह से डबलेट लाइन स्ट्रक्चर आता है स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर भी हो गया है एंड। अब यहाँ पे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल 5.3। तो इस टेबल के अंदर सारे क्वांटम नंबर्स की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन, इन सब की समरी दी हुई है। ठीक है, कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये नॉन जीरो होते हैं, तो अगर 1 है तो इसका मतलब है के शेल है, और एजीमुथल यानी कि सब शेल कौन सी होगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 0, सब शेल हो गई एस। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा उसका 0। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, कि अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक, और टोटल हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि एस सबशेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। ठीक है, और अगर आपके पास 2 है वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो इट्स मीन कि उसकी एल सबशेल है। ठीक है, एल की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 और 1, तो 0 के लिए एस हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा पी। पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 के लिए 0, 1 के लिए क्या हो जाता है 0 प्लस माइनस 1, और 0 में यानी कि एस सब शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। पी सब शेल में टोटल आते हैं 6, तो 2 प्लस 6 टोटल यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आपकी जो सेकेंड शेल है उसके अंदर टोटल आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड शेल, ठीक है, यानी कि एम है आपके पास, यानी कि 0 है 1 है और 2। 0 का मतलब एस सब शेल, 1 का मतलब पी सब शेल, 2 का मतलब डी सब शेल, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखे हैं, 0 का 0 ही रहेगा, 1 के लिए 0 प्लस माइनस 1, और 2 के लिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इनके स्पिन क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। एस के अंदर 0, पी एस के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के पास जो है 6 और डी के पास 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे अगर फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल यानी कि एन शेल है, तो 0 1 2 3, ठीक है, यानी कि 1 s p d f, और ये उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो s में आते हैं 2, p में आते हैं 6, d में आते हैं 10 और f में आते हैं 14, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपकी फोर्थ शेल में आ सकते हैं, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये उसकी उन्होंने समरी दी हुई है, बाकी शेप्स भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह ये मंडे को करेंगे। अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स।